हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पिंकुल शीतल ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो पर गाइस। तो आज हम लोग आ रखे हैं हटिया स्टेशन, तो आप लोगों को दिखाते हैं चलिए हटिया स्टेशन का दृश्य। हमने प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया है, बहुत ही जरूरी है, बिना टिकट का घूमना अलाउ नहीं है, इलीगल हो जाएगा। फिर देखिए साफ सफाई चल रही, बहुत अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म पे हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए ना, साफ सुथरा रखना चाहिए क्या। हाँ। तो हम लोग अभी चढ़ते हैं ब्रिज से। ये तो नमन तो दौड़ लिया। हाँ। ये तो चल नहीं पा रही, दौड़ के दिखाओ, दौड़ नमन का पकड़ के दिखाओ। तो काफी अच्छा है हटिया स्टेशन। प्री पैड ऑटो अवेलेबल है यहाँ पे, आप लोग बुक कर सकते हैं। रेलगाड़ी चलेला हवा, अरे धीरे धीरे चलेला जिया डोलेला। नमन तो मजे ले रहा, वो कर रहा। किधर सुत रहे हैं? चलो तो हम लोग अभी नीचे उतर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ। नमन को तो बहुत मजा आ रहा है। नमन को तो बहुत मजा आ रहा है, देखिए वो भाग रहा हम लोग को छोड़ के, वो रहा है। लग रहा है वॉकिंग करने आया। ये ठीक है लेकिन चढ़ने के लिए सीढ़ी से तो यही अच्छा लगता है, है ना। सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते किसी का हालत खराब आता है, संभाल ले। उधर भी है एक ब्रिज जो सीढ़ी वाला है, तो ये वाला ब्रिज अभी नया बना है, हमें तो यही वाला अच्छा लगता है। देखिए पपीता छिल रही है, बेचने के लिए छिल रही है। हाँ, तो हम लोग M13 के पास पहुंच चुके हैं, अनाउंसमेंट भी हो रही है। धरती आबा ट्रेन आने वाली है अभी। वैसे जो हाफ वाला, हम लोग अभी जस्ट ब्रिज के नीचे बैठ रखे हैं। क्या बोल दिया, पटना विशाखा, पटना विशाखा। ये देखिए धरती आबा ट्रेन आ चुकी है, हम लोग इसी का वेट कर रहे थे। हम लोग को अभी देखना है M13 कहाँ पे है। नमन और ये रहा M13, ब्रेक लग गई है। हाँ तो ये रहा M13, पूरा भीड़ है। अरे तोड़ेगा क्या, आराम से ऐसे करो, बोलो ऐसे करो। हाँ ये देखो नानी मिल के, नानी नमन नानी से मिल गया। अरे पकड़ो नमन, ये वाला आपको है। चलो नहीं है, नानी इधर से चली गई।
तो गाइस हम लोग ने रिसीव कर लिया नानी जी को, मोहन की नानी को, चलते हैं चलो। तो गाइस देखिए इधर मालगाड़ी खड़ी हुई है, कच्चा लोहा लग रहा है ना, कच्चा लोहा आ रहा है मालगाड़ी पे। ट्रेन वगैरह रखी हुई है, देख सकते कितना अच्छा दिख रहा ट्रेन, सब स्टैंड की हुई है। तो गाइस काफ़ी भीड़ भाड़ है अभी, धरती आवाज ट्रेन आ रखी है तो सब निकल रहे पैसेंजर लोग अपने सामान को ढोते हुए। नमन को कुछ चाहिए लग रहा, क्या चाहिए नमन? तो नमन को चॉकलेट मिल गया है, मम्मी जी बनाते हुए आ रहे ब्लॉग। बाद अला पूजा ट्रेन निकल रही है अभी, तो देखिए अभी हम लोग एग्जिट गेट की तरफ पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग एग्जिट करने वाले हैं। उधर से दूसरा ब्रिज का है, सीढ़ी वाला ब्रिज है जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 जाने का रास्ता है। अभी हम लोग एग्जिट की तरफ से निकल रहे हैं, देखिएगा है ना, राइट साइड में टिकट काउंटर है। जाया गया है सिंपल की तरफ, लोग एक भैया है, नाम बता दीजिए अपना। पवन। पवन भैया है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बहुत अच्छी बात लगा आपसे मिलके, ठीक है। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ट्रेन का नाम नंबर, ठीक है आप लोग पहले देखिएगा। तो चलिए हम लोग निकलते हैं गाइस, चलो तो हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस हम लोग देखते हैं हम लोग गाड़ी कहाँ लगा हुआ है, तो ये रहा हमारा गाड़ी, मिल गया। अभी सामान वगैरह रख देते हैं इसमें। तो सामान वगैरह रख दे रहे हैं पहले बस। हाँ कहाँ, और एरोप्लेन दिखा रहा नमन, देखिए आप लोगों को भी दिखा देते हैं एरोप्लेन। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहीं पे है, वो रहा गाइस एरोप्लेन। तो चलिए फिर बैठो, बुरी तरह से खा रहा नमन। तो ठीक है गाइस, फिर हम लोग जिस काम के लिए आए तो काम हो गया है। आप लोगों ने अभी अच्छे से का थोड़ा दृश्य भी देख लिया होगा। तो ओके फिर ये ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट।